दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी है, अगर आप सच में एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें, वरना इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो सच में क्रिकेटर बनना चाहते हैं और क्रिकेट में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में और खासकर इंडिया में कौन क्रिकेटर नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या पता है आपको कि क्रिकेटर बनने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत और संघर्ष करनी पड़ती है। दोस्तों जितना आसान हमें लगता है उतना आसान असल में होता नहीं है, क्योंकि आज क्रिकेट में पढ़ाई से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिकेट में नाम पैसा के साथ साथ इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 नहीं बल्कि 10 ऐसे आदतों के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप एक बार फॉलो करते हैं तो आपको सफल क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर ये 10 बातें आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज कोई नहीं सुनता मुझे, लेकिन एक दिन सब सुनेंगे। मुझे कामयाब होता देख वह भी मेरे जैसा सपने बुनेंगे। हवा अगर बहती है तो उसे बहने दो, और ये लोग कुछ कहते हैं तो उन्हें कहने दो। कि हवा अगर बहती है तो इन्हें बहने दो, और ये लोग कुछ कहते हैं तो इन्हें कहने दो। उनकी छोटी सोच का परिंदा आखिर कब तक फड़फड़ाएगा, अरे उनकी छोटी सोच का परिंदा आखिर कब तक फड़फड़ाएगा। सच तो यह है कि उनसे कुछ ना हो पाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपके समाज के लोग आपके टांग को खींचने में लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे माँ बाप पे भी पड़ता है और वो हमें वो काम करने से मना कर देते हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहती हुई हवा को और लोगों के मुँह को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनका काम ही यही है। हवा का काम है बहना और लोगों का काम है कहना। और एक बात और, कुछ बच्चे मुझसे अक्सर कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो ये सिर्फ एक बहाना है, और बहाने बनाना बंद कर दो, क्योंकि आपके बहाने से किसी को कोई मतलब नहीं है। जीवन आपका है, इसे सफल बनाने की जिम्मेवारी भी आपका ही है, और जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो भी अच्छा लगे उसे पूरे दिल से करो, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर ही बनना है। और भी बहुत सारे काम है दुनिया में, जो भी कर सकते हो उसको आप पूरे दिल से करो, जो दिल कहे वही करो। और अगर आप एक क्रिकेटर ही बनना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम आपको 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो हर क्रिकेट प्लेयर्स को पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये बातें आपको शायद ही कोई बताएगा, तो हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हैबिट नंबर 10 से। दोस्तों हैबिट नंबर 10 ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब है कि खुद पे भरोसा करना। दोस्तों आज की दुनिया में लोग खुद से ज्यादा दूसरों की अहमियत देने लगे हैं और खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पे भरोसा करने लगे हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं और हम उनको मान लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से लोग आपको कहेंगे तू क्या धोनी बन जाएगा, तू क्या कोहली बन जाएगा। और सच बताऊं तो धोनी सर को भी ये बातें सुनने को मिली थी। उन्हें भी लोग कहते थे तू क्या सचिन बन जाएगा, तू क्या गावस्कर बन जाएगा, लेकिन उन्होंने लोगों पे नहीं खुद पे भरोसा किया। और आज आप जानते ही हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखिए, क्योंकि बुरे समय में खुद के सिवा कोई काम नहीं आएगा, और खासकर क्रिकेट में। तो दोस्तों अब जानते हैं हैबिट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों हैबिट नंबर 9 ये है कि मेक योर ओन डिसीजन, मतलब कि खुद का निर्णय खुद लो। दोस्तों मुझे सबसे गंदी बात ये लगती है कि कुछ लोगों की वजह से हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि क्रिकेट सिर्फ पैसे वाले लोग ही खेल सकते हैं। और ये बीमारी खास करके हमारे पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो हमें इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जब किसी और का लड़का ये नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगे। या फिर फैमिली में कोई होता है वैसा नालायक जिसका एग्जाम्पल हमें हमेशा सुनने को मिलता है, और उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना डिसीजन खुद लो, क्योंकि जिंदगी आपकी है और एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर निर्णय गलत भी होती है तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएंगे। तो अब जान लेते हैं हैबिट नंबर 8 के बारे में। हैबिट नंबर 8 की बात करें तो वो है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि मानसिक शक्ति। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी काम को करने में दिमाग सबसे अहम भूमिका निभाता है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जब तक आप क्रिकेट को दिमाग में बैठाओगे नहीं और इसमें सफल होने के लिए ठानोगे नहीं, तब तक इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि टाइम पास करने वालों के लिए क्रिकेट में कोई जगह नहीं है, उनके लिए गली क्रिकेट ही बेस्ट है। और अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो मानसिक शक्ति को मजबूत करके क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिकेट इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। और दोस्तों क्रिकेट में दिमाग पे काबू रखना बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, दिमागी शक्ति को बढ़ाएं और क्रिकेट पे फोकस करें।
तो अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 7 के बारे में। दोस्तों हैबिट नंबर 7 की बात करें तो वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि किसी भी काम को लगातार करना। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपको क्रिकेट में लगातार वर्क करना होगा, क्योंकि जब आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हो तो कोई गारंटी नहीं होता है कि आप कितने दिन में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, और जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे को मैंने देखा है कि वो 6 महीने या फिर 1 साल क्रिकेट खेलते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं और बाकी दिन गायब रहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लगातार क्रिकेट के संपर्क में रहना है, कुछ भी हो जाए क्रिकेट नहीं छोड़ना है। और दोस्तों ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कितना भी अच्छा खेल लो लेकिन एक गलती के कारण आपका सपना टूट जाता है, और ये सब बातें आपको शायद ही कोई बताएगा। तो अब जान लेते हैं हैबिट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों हैबिट नंबर 6 की बात करें तो वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। दोस्तों जब आप 6 महीने या फिर 1 साल क्रिकेट खेल लेते हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि आप इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ लोग आपको जलाने के लिए आपसे ये भी पूछते हैं कि तुम क्रिकेटर कब बन रहे हो, या फिर ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आप पे किए जाते हैं। तो यार ऐसे समय में डिमोटिवेट नहीं होना है, उस समय पेशेंस रखना है और ज्यादा मेहनत करना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि यार आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लगातार मेहनत करो और उसका रिजल्ट आपको ना मिले। रिजल्ट मिलेगा लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतना ही अच्छा आप एक खिलाड़ी बनोगे, और दोस्तों यही एक सबसे अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तो इसीलिए कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, पेशेंस रखो और आगे बढ़ो। तो अब जान लेते हैं हैबिट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों हैबिट नंबर 5 के बारे में बात करें तो वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी, मतलब खुद के लिए अवसर पैदा करना। दोस्तों आपने एक बात तो सुना ही होगा कि मौके मिलते नहीं मौके बनाए जाते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको करना है, क्योंकि क्रिकेट में लाखों की संख्या में बच्चे ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनमें से वही लोग सफल हो पाते हैं जो सही मौके की तलाश करके उसका फायदा उठाते हैं। दोस्तों एक बात आप खुद सोचिए कि अगर आपको मौका मिलता है तो आपके साथ साथ जितने बच्चे हैं उन सबको मौका मिलता है, लेकिन जब तक आप खुद के लिए एक मौका तलाश नहीं करोगे तब तक आप क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैच में आप किसी टीम के खिलाफ 50 रन बनाते हो और आपका टीम जीत जाता है, लेकिन उसी मैच में आपके साथ दो और खिलाड़ियों ने 40-40 रन बना दिए, तो वहाँ पर आप उतना सफल नहीं माने जाओगे। लेकिन जब आपकी टीम बुरी कंडीशन में है और आप मैच हारने वाले हो और उस कंडीशन में आप रन बनाते हो या विकेट लेते हो तो आपकी वैल्यू उस टीम में और सामने वाले टीम में दोगुना हो जाता है। तो इसीलिए खुद का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और उसका फायदा उठाओ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की। तो हैबिट नंबर 4 की बात करें तो वो है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। दोस्तों कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो आपके अंदर एक बार सही मायने में आ गया तो आप 1 साल के अंदर 0 से हीरो बन जाओगे, और क्रिकेट में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं कॉन्फिडेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर हाँ आप जानना चाहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं या अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के लिए लाल बटन दबा करके घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब जो आगे की 3 बातें हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। तो अब जानते हैं हैबिट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों हैबिट नंबर 3 की बात करें तो वो है विजुअलाइजेशन। दोस्तों विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी काम को करते समय उस काम को परखना या समझना कि आप उस काम को करते समय क्या गलती कर रहे हैं और कहां पे गलती कर रहे हैं। दोस्तों जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो आपसे गलती होती है, लेकिन उस गलती को आप सीरियसली ना लेकर के उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और यही गलती के कारण आगे बढ़ने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको काफी समय लग जाता है। तो आपको अपने कोच से या फिर किसी भी सीनियर खिलाड़ी से हमेशा सलाह लेते रहना कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं और हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। और दोस्तों उसके लिए आप खुद का वीडियो बना करके आप कोच को भी दिखा सकते हैं और अपनी कमियों के बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों सफल होने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि छोटी छोटी गलतियों पे काम करना शुरू कर दो, उनको नजरअंदाज मत करो, उसे विजुअलाइज करो और उसे सुधारो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में। तो हैबिट नंबर 2 के बारे में बात करें तो वो है फिटनेस। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 50% क्रिकेट आपके फिटनेस पे टिका होता है। जब तक आप फिट नहीं है तो आप क्रिकेट का सपना छोड़ दीजिए।
क्योंकि क्रिकेट ही नहीं किसी भी खेल में फिटनेस का एक अहम रोल होता है। तो क्रिकेट के साथ साथ फिटनेस पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपके लिए क्रिकेट बहुत ही मुश्किल होगा। और एक बात आप खुद सोचिए कि जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप क्रिकेट कैसे खेलोगे। क्रिकेट मैच में आपको ग्राउंड पे 8-8 घंटे बिताने पड़ते हैं, तो जब तक आप फिट नहीं रहोगे तो कैसे आप ग्राउंड पे 8-8 घंटे बिताओगे, आप खुद सोचो इस बात को। तो फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, और उसको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें या ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं ताकि उनका भी मदद हो सके। तो दोस्तों हैबिट नंबर 1 की बात करें तो वो है डिसिप्लिन, मतलब कि अनुशासन। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है, और आप थोड़ा सा भी इसमें अनुशासनहीनता दिखाते हो तो आपको बैन कर दिया जाता है और आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। दोस्तों ऐसे तो अनुशासन हर काम में जरूरी होता है, लेकिन क्रिकेट में बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें कितने सारे नियम और कानून होते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कि जितने बात अभी तक मैंने आपको बताया है वो सभी में आपको अनुशासन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं अनुशासन को नंबर 1 पॉइंट पे रखा। तो अगर क्रिकेट खेलना है तो हमेशा डिसिप्लिन में रहो, और नहीं तो यार कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी संघर्ष कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, आखिर में जाकर के आप बैन कर दिए जाओगे। तो दोस्तों सभी बातों को एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कर लें, हो सके तो इस बात को कहीं पर लिख लें या फिर नोट कर लें। तो दोस्तों ये बातें मेरे कहने पर एक बार अपने जीवन में अप्लाई करके देखो, फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। और दोस्तों अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है या फिर कोई सवाल हमसे पूछना है, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर के फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, और कमेंट में हमें ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।